हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं सबसे पहले अपने न्यू सब्सक्राइबर्स का बहुत 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 थैंक्स कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, एंड आगे से और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेते आऊँगी। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम घर पर ही स्किन टोनर बना सकते हैं। सो लेट्स चेक द वीडियो। DIY टोनर को तैयार करने के लिए इसमें हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले हैं वो है ग्रीन टी, हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है नीम के पत्ते, हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है विटामिन ई की कैप्सूल। अगर आपके पास विटामिन ई की कैप्सूल ना हो तो आप इसके जगह पर विटामिन ई की ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए एक कंटेनर में हम 2 कप पानी लेंगे, फिर उसमें 2 चम्मच ग्रीन टी ऐड करेंगे, फिर इसमें हम 1 चम्मच नीम के पत्ते ऐड करेंगे, फिर इन सारे इंग्रेडिएंट्स को लो फ्लेम पर 5 मिनट तक बॉईल करेंगे। मैंने इस DIY स्किन टोनर में ग्रीन टी ऐड किया है। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स एंड टैनिक एसिड पाया जाता है जो स्किन को बहुत सारे प्रॉब्लम्स से बचाता है, जैसे कि हार्मफुल फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि फ्री रेडिकल ही स्किन में रिंकल और स्किन एजिंग होने का बहुत बड़ा कारण होती है। सनबर्न को भी प्रिवेंट करता है और स्किन से डर्ट एंड इम्प्योरिटीज को दूर करता है। मैंने इसमें नीम के पत्ते भी ऐड किए हैं। नीम स्किन से बैक्टीरिया को हटाता है जिसके कारण एक्ने और पिंपल भी रिड्यूस होने लगते हैं। नीम में फैटी एसिड होता है जो स्किन ड्राई नहीं होने देता। नीम सभी स्किन टाइप के लिए अच्छा है, बट स्पेशली एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम है उनके लिए बेस्ट है। अच्छी तरीके से उबालने के बाद इसे उसी तरह ठंडा होने के लिए छोड़ दे, फिर कुछ देर बाद इसे क्लीन कंटेनर में छान लें। फिर इसमें हम विटामिन ई की 2 कैप्सूल ऐड करेंगे। इसमें मैंने विटामिन ई की कैप्सूल भी ऐड की है जो स्कार्स को लाइट करता है और डैमेज स्किन को रिपेयर करता है। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, रेडी है हमारा DIY ग्रीन टी स्किन टोनर। आप इसे रात में सोने से पहले लगाकर सोए और सुबह उठ के जब चेहरा धोए उसके बाद फिर एक बार अप्लाई कर ले, फ़र्क आपको खुद ब खुद नज़र आएगा। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और आप इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे हम जुड़े रह सकें और मेरे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।